इस हड्डाराम ने कभी कोई ढंग का काम किया है? ये तो पैदा ही इनकार करने के लिए हुई है। हाँ, और तुम काम करने के लिए। मैंने कभी रात के सन्नाटे में अकेली खड़ी चुड़ैल को लिफ्ट नहीं दी, और आप दिन दहाड़े खून पीने वाली चुड़ैल को। बस अम्मा, क्या क्यों आवाज दी पीछे से? देहान से गिर जाएंगी। अब्बा, दाढ़ी आपके हाथ पे लगेगी, कील छूट जाएगी। मुझे दिखाए, अल्लाह मुझे दिखाए तो सही। थोड़ी सी फिक्र बच जाया करे ना, तो वो हमारे लिए संभाल के रख लिया करे। हम भी आप ही की जिम्मेदारी। देखो, वो नॉर्मल लड़कियों से जरा हटकर है, बहुत ज्यादा हिसास। इस घर में होने वाली हर बुरी बात की जिम्मेदारी उसके सर थोप दी जाती है, क्योंकि वही जिम्मेदार होती है हर बुरी बात की। तुम्हारी इन्हीं बातों का वो बहुत ज्यादा असर लेती है। वो सिर्फ असर लेती है, जबकि उसकी जुबान से निकली हर बुरी बात हम पे असर अंदाज होती है। ओहो भाई, अगर एक दो बार ऐसा हो गया तो इत्तफाक भी तो हो सकता है ना। तुम शौक से इसे इत्तफाक समझते हो, लेकिन मैं ये गलती नहीं कर सकती। ये आवाज, ये कौन चीखा? अब्बा! हया, अब्बा,
कितना बड़ा और अच्छा मॉल है ये, मैं कभी नहीं आई यहाँ पर। बस पता है मैं ना बहुत कुछ खाऊंगी, मैं बर्गर भी खाऊंगी और मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी। सब थैंक यू। जोहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन शख्स है जिसके साथ तुम यहाँ आई? अब वो ये तो सिलाई सेंटर के नए सुपरवाइजर हैं। तो वो मैम ने कहा था कि धागों का कुछ ऑर्डर लेना है तो मैं इनके साथ चली जाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे धागों के ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं, राइट? नहीं नहीं, अब वो तो सुपरवाइजर साहब ने कहा कि लंच टाइम हो गया है तो आप बस नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, चलो घर छोड़ दूंगा। ये कहाँ से आ गया, अब घर जाके अम्मा को मिर्च मसाले लगाकर बताएगा। मुझे और कोई तरीका नहीं आता, मैं इसी तरह से अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ बस। जो लोग तुम्हारे ये शौक पूरे कर रहे हैं ना, याद रखो फिर उनके भी अपने कुछ शौक होते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है मैं घूमने फिरने जाऊँ, अच्छे अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने खाऊँ। यू घुट घुट के नहीं जी सकती हूँ मैं। जोहा, अपनी ख्वाहिशात और शौक को पूरा करने का ये कौन सा तरीका है? मुझे और कोई तरीका नहीं आता, मैं इसी तरह से अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ बस। जो लोग तुम्हारे ये शौक पूरे कर रहे हैं ना, याद रखो फिर उनके भी अपने कुछ शौक होते हैं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मेरी लाइफ पे कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए मिन्नतें करो, जिदें करो, फिर भी वो चीज नहीं मिलती तो कोई क्या करे। मैं सिर्फ ये जानता हूँ जोहा, ये रास्ता सही नहीं। जिस अंदाज से भी चाहो तुम अम्मा को उकसा सकते हो, मेरे खिलाफ कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैं अपनी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें दबा नहीं सकती। अम्मा, हाय, हम बहुत मारे, अभी मेरा हाथ कट जाता तो क्या करती मैं? आजीज आ गया हूँ मैं कुवारा रह रहकर। अच्छा देख बाकी, इस तरह से तुम मुझसे बात ना किया कर, मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। मजाल है अम्मा, कभी तुमने अपने इस हैंडसम यंग नौजवान बेटे की शादी का ख्याल गलती से भी तुम्हारे दिल में आया हो? तू क्या समझता है मैं तेरा घर बसाने के लिए कोशिश नहीं करती हूँ? हर जगह गई हूँ, एक ना दो पूरे 38 घरों में गई हूँ, लेकिन लगता है ऐसे कि जैसे सब ने इनकार करने का हल्फ उठा रखा है। तो पड़ोस में तो नहीं गई ना? तो मोहल्ले के घरों में कैसे जाती, मोहल्ले की हर औरत को तो तूने छेड़ा है और मार भी खाई है, वो क्यों तुझे अपनी लड़की देंगे? तो उससे क्या होता है, शादी से बिफोर तो छेड़म छाड़ी चलती रहती है ना अम्मा। इसका अंग्रेजी बोलना, बिफोर चलता है छेड़म छाड़ी। जब ये खा लूं, गाजर ले, योगर्ट, योगर्ट कम वक्त मारे, अंग्रेजी तो सीख ले। अस्सलाम वालेकुम मनवार भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक। बस मैं गया था हया को लेके डॉक्टर की तरफ, वापसी पे ही कहने लगी कि आफिया आंटी की तरफ चले, तो मैं इसे यहाँ ले आया। अच्छा किया आप इसे यहाँ ले आए, मैं भी इसे बहुत याद कर रही थी। ऐसे डॉक्टर के पास क्यों लेकर गए थे आप, सब खैरियत तो है?
ये तो बहुत बुरा होगा। कुसिया के दिल में इस बच्ची के लिए पहले ही नफरत क्या कम थी जो अब इस किस्म के वाकयात होने लगे। कुसिया तो इसकी जान भी ले ले वो भी कम है। हाँ ये बात तो है, कुसिया में समझ की कमी है। बल्कि हर गुजरते दिन के साथ कुसिया की नफरत में शिद्दत आती जा रही है। वो किसी भी लम्हे उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। प्यार से बिठा के बात करना तो दूर की बात है, और अगर वो खुद को कुसिया से करीब करने की कोशिश करती है तो कुसिया उसे इंतहाई नफरत से धकेल देती है। कुसिया की नफरत की वजह समझ में आती है। ओ खुदा, आज उस बुढ़े आशे की पिटाई करके बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, दिल की भड़ास निकालने के बाद दिल बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। खैर, सुधरने वाला वो फिर भी नहीं है। देखना, कल फिर दूरबीन लगाए खड़ा नजर आएगा। जब उसकी शादी वाली ऑफर पर तुम एक लम्हे को रुकी ना, उस एक लम्हे में मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या क्या सोच लिया? यही कि नाना और दादा अब्बा की उम्र के आदमी को मैं अपना बहनोई कह के अपनी सहेलियों से कैसे मिलवाऊंगी। नहीं, नहीं। दूर दूर। तुम्हें क्या हुआ है? क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कि दिल में अभी उम्मीद की एक किरण बाकी है। अल्लाह ना करे अगर उस किरण को किसी अंधेरे ने निकल लिया तो मैं बाका सजीला की ऑफर कबूल कर लूंगी। मतलब तुमने मुझे मेरी सहेलियों के सामने शर्मिंदा करवाने का पक्का प्लान बना लिया? कम से कम उसमें एक खूबी तो है। ओ माय गॉड रोहा, तुम्हें उस बाके सजीले की खूबियों के बारे में भी पता है? खामियां यही है ना कि वो आशिक मिजाज है, दिल फेंक है, बड़ी उम्र का आदमी है। लेकिन मेरी नजर में उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कवारा है। जोहा और रोहा समझदार बच्चियां हैं, उन्हें चाहिए कि कुत्सिया को समझाती रहा करें। बात तो ठीक है, दरअसल माजी के तब लम्हात आसेब की तरह कुत्सिया से चिमटे हुए। जी, मेरा भी ख्याल था कि वक्त मरहम बनकर कुत्सिया के जख्मों को भर देगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने और उसे खुश रखने के लिए कहा है। मैं सोचता हूं कि अगर कुसिया को मैंने ये बात बता दी तो उसकी नफरत हया को पागलखाने पहुंचाकर ही सुकून हासिल करेगी। नहीं भाई, प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा। उसका मतलब है मामा को खाला जान की नफरत का मतलब पता है। मेरा अंदाजा सही निकला। खाला जान की हया से नफरत बिला वजह नहीं है। इस पर साया लग रहा है। साया? हाँ, जिन भूत या चुड़ैल का? थैंक यू। अरे वाह,
हम वहां वीराने में और घर में बाहर आई है। कब आए आप? बस अभी आए थे बेटा, और अब घर जाने की तैयारी कर रहा है। अरे ये क्या बात हुई, ये घर नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं हया को भेजती हूँ। दरअसल बात ये बेटा कि हया जिद कर रही है। मैंने तुमसे कहा था कि दो चार दिन रह जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारा यहाँ रहने को दिल नहीं चाह रहा? चाह रहा है, लेकिन लेकिन क्या? हमें घर जाना है। घर जाना? भाई यहीं रहो, हम रात में अच्छी सी मूवी देखेंगे। नहीं, हमें घर जाना है बस। फिर अब तो मजबूरी है, और तुम्हारी जिद के आगे मुझे ही हथियार डालना। हाँ बेटा, ये जो दिल में ठान ले। आइए मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूँ। चलो चलो आओ। अंकल, एनी प्रॉब्लम? है बहुत उदास दिखाई दे रही है। नहीं बेटा, बस सब ठीक है, इसकी तबीयत कुछ खराब है। वो तो उसके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है? बुखार था, अब तो बेहतर है। तो डॉक्टर को दिखाया, क्या कहा? वही पुराना जवाब के मौसम की तब्दीली। कुत्सिया, ये तुम्हारी बेटी गुड्डे से क्यों बातें कर रही है? अरे ये बचपन से ही ऐसी है। तो तुमने किसी आमिल को दिखाया? आमिल को? मैं समझी नहीं। इस पर साया लग रहा है। साया? हाँ, जिन भूत या चुड़ैल का, मुझे तो इसमें कोई गैर मामूली बात भी नजर आती है। हाँ है तो सही। क्या? अरे ये जो भी बात मुंह से निकालती है वो जरूर पूरी होती है। अरे ऐसे ही तो पता चलता है आसिफजदा होने का। मुझे बहुत ही पहुंचे हुए आमिल बाबा का पता मालूम है। तुम कहोगी तो मैं ले आऊंगी तुम्हारे घर। आमिर, लेकिन इनके अब्बा? अरे अब्बा को छोड़ो, लड़की की फिक्र करो। कैसी जवान जहान खूबसूरत लड़की है। आसिफ जान छोड़ेगा तो कहीं शादी होगी ना इसकी। कल रात में अम्मा से करवट नहीं ली जा रही थी, ये बहुत तकलीफ थी ना। ना तुम उठी और ना ही मैं उठी। अब्बा की लाडली ने अम्मा को करवट दिलवाई। लेकिन अब्बा, उन्होंने हमें नींद में बहुत दुआएं दी, बहुत सारी। बस इसी खुशी से हमारी नींद उड़ गई। Thank you.
परवरदिगार मेरे इन बच्चों को कभी दूर ना होने देना।